उत्पत्ति के पुस्तक 19 अध्याय का 17 वचन। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे क्यों न ताकना और तराई पर न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब कर रहा था, जब वह विलंब कर रहा था तो परमेश्वर को देखिए उस वचन को ध्यान देना पड़ेगा। यहां सोदोम और अमोरा शहर के लोगों को देखिए, वे इतना दुष्ट थे, वे इतना पाप से भर गए। पुरुषगामी या वेश्या इस प्रकार शहर के पाप भर गया है और परमेश्वर के चरणों के पास उस पाप जो है वहां जाने लगा। तब परमेश्वर ने उस पाप को जांच करने के लिए, क्या उस शहर के लोग ने पाप किया, अपराध किया, उसको जांचने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा। उस स्वर्गदूतों ने पाया है वहां का लोग इतना दुष्ट है, इतना परमेश्वर का विरोध काम करने लगे। तो परमेश्वर ने उस देश को नाश करने के लिए चाहा, लेकिन वहां धर्मी लूत था, उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने और स्वर्गदूतों को आज्ञा दी। स्वर्गदूतों ने उनको समझा रहे थे, तू निकल जाना है। वो कह रहे थे, जब कही रहे थे, इतना विलंब कर रहा था। परमेश्वर ने लूत से इतना प्रेम किया है, इसलिए लूत और उनकी पत्नी और दोनों बेटियों को हाथ पकड़कर उनको खींच के बाहर निकाल के छोड़ा। वहां अग्नि और गंधक बरस रहा था। उसका पत्नी ने जो है उस शहर को पीछे मोड़ के देखना चाह रही थी, पीछे मोड़ के देख के और वो नमक की खंबा बन गई है। वहां अग्नि और गंधक उतर के उस शहर को पूरा पूरा नाश कर डाला है। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था, तू पीछे मुड़ कर नहीं देखना, इधर उधर नहीं ठहरना, लेकिन वो आज्ञा ना मानते हुए परमेश्वर से दंड को पाई थी। उस देश को परमेश्वर जो है नाश करने के लिए चाह रहा था, लेकिन अपना दास उस लूत को वहां से बचाने के लिए जल्दीबाजी कर रहे थे। परमेश्वर इतना जल्दीबाजी किए, लेकिन लूत ने परमेश्वर के मन को न समझे हुए इतना विलंब कर रहा था। परमेश्वर जल्दीबाजी कर रहे हैं, लेकिन लूत को कोई विचार नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने लूत को पकड़ के बाहर निकाला। देखिए मेरे प्यारों, आज परमेश्वर के सम्मुख में आपने कुछ वादा को निभाने के लिए आपसे परमेश्वर से मन्नत मांगी है, बाइबल पढ़ने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए कुछ मन्नत को माने आके, लेकिन उसको पूरा करने के लिए, उसको जल्दीबाजी में उसको पूरा करने के लिए आप निर्णय करना है। कभी भी परमेश्वर के काम में ढिलाई नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते रहना है। हमारे भक्ति जीवन में, आराधना का जीवन में हमें आगे बढ़ते ही रहना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है। हालेलुया, हालेलुया।